हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपको क्लियर स्टोन की पूरी जानकारी दूंगा, यानी जो क्लियर स्टोन है इसकी ए टू जेड पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। लेकिन इसको बताने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे को भी ये जानकारी हो सके। तो ये देखिए क्लियर स्टोन ड्राप हैं। जो ये क्लियर स्टोन ड्राप है ये 30 ml की सीसी में आती है, यानी जो 30 ml की बोतल होती है ये छोटी सी ड्राप है, यानी क्लियर स्टोन ड्राप है। तो इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसका कंपोजिशन क्या है, उसको मैं आपको बता दूं। जो इसमें कंपोजिशन पड़ा हुआ है इसमें है बर्बेरिस बुल्गेरिस, सारसा परिल्ला, आसिमम कैन, सोलिडिगो वर्गोरिया, परेरा ब्रावा, सेनेसियो आरियस। साथियों इसमें इतनी कंपोजिशन पड़ी हुई है, यानी जो मैंने आपको बताया है इतनी दवाएं इसमें पड़ी हुई हैं। इंडिकेशन बता दूं कि इस पे इंडिकेशन क्या लिखा हुआ है। जो इंडिकेशन में है रीनल कोलिक, यानी जो किडनी स्टोन का दर्द होता है, फेल्ट फ्लैंक एक्सटेंडिंग टू ग्रोइंग विथ मे बी एकम्पेनाइड विथ पेनफुल यूरिनेशन ब्लड इन यूरिन, यानी कि जो आपका बैक लोअर साइड में पेन होता है और ये फ्लैंक होता है यानी फैलता है, एक्सटेंड करता है टू ग्रोइंग, यानी कि आपके निचले हिस्से तक भी जाता है। और इसके साथ साथ इसमें जो है कि पेनफुल यूरिनेशन होता है, यानी कि जो आपका यूरिन होगा, जो यूरिन पास होता है उसमें दर्द होता है। जब भी आप पेशाब करने जाते हैं तो दर्द होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ब्लड इन यूरिन, यानी कि जो आप यूरिन करते हैं यानी पेशाब करने जाते हैं तो उसमें ब्लड आ जाता है, जिसको यानी कि कभी कभी दर्द के साथ साथ ब्लड आता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको डोजेज मैं आपको बता दूं साथियों, जो इसमें डोजेज हो, इसमें डोज क्या है, इसका जो है कि 10 से 15 बूंद। लेकिन सबसे बेहतर यही रहता है कि अगर पथरी थोड़ी बड़ी है तो आप 15 बूंद लें, लेकिन अगर पथरी छोटी है तो आप 10 बूंद लें तो भी बहुत बेहतर होता है। तो कैसे लेना है 10 बूंद, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसको हम ओपन करते हैं और इसको आपको कैसे लेना है, इसको खोल लेना है आपको। देखिए ये बोतल है, ये है खुल गई, इसका ड्रॉपर इसी में आ गया है। तो साथियों इसमें ड्रॉपर लगी हुई होती है, इस तरह का कैप खुल गया आपका। इसको आप थोड़ा सा पानी लेंगे, यानी कि 1 कप वाटर लेना है, 1 कप वाटर लेंगे, उसमें आप ऐसे बूंद बूंद करके 10 बूंद टपकाएंगे। से देखिए काउंट कर लीजिए, 10 बूंद टपकाएंगे। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा हिला देंगे, जब आप इसको हिला देंगे तो देखिए थोड़ा सा एलोइस हो गया, इस कलर यानी जो पानी हो गया थोड़ा सा एलोइस हो गया, तो इसको आपको पी लेना है। इस तरह से आपको एक बार सुबह में, फिर एक बार दोपहर को, फिर एक बार शाम को करना है, लेकिन 10 बूंद लेना होता है। चलते चलते इसकी MRP भी बता दूं साथियों, जो इसकी MRP है 165 रुपीज़ है, यानी कि 165 रुपये है। और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट है यानी कि 5 जून 2023, और जो एक्सपायरी डेट है इसकी जो है कि 4 मार्च 2028। तो साथियों बहुत लंबी एक्सपायरी होती है, 5 साल की एक्सपायरी होती है। इसके बाद जो इसमें ये पेपर पड़ा हुआ है साथियों, जो इसमें पेपर पड़ा रहता है इसको मैं थोड़ी सी आपको विस्तार से थोड़ी जानकारी दे दूं। तो इसमें जो है कि ऊपर लिखा हुआ है क्लियर स्टोन ड्राप फॉर द यूज ऑफ ओनली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RR हॉस्पिटल या लेबोरेटरीज के लिए है, होम्योपैथिक मेडिसिन SBL साइड में लिखा हुआ है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है छोटा छोटा उसको देखिए, रीनल कोलिक सीवियर पेन इन लोअर बैक RR साइड्स, इसमें जो है कि बैक साइड के निचले हिस्से में यहाँ पे देखिए ऐसे करके यहाँ पे दर्द होता है, यानी कि बैक साइड के लोअर हिस्से में दर्द होता है। ये दोनों साइड हो सकता है आपको, एक साइड इधर भी और एक साइड इधर भी, दोनों साइड इसमें दर्द हो सकता है। द पेन यूजुअली वन साइड बट मे बी ए बोथ साइड, यानी दोनों साइड भी हो सकता है।
रीनल कोलिक में स्टार्ट क्विकली कम एंड गो, यानी जो रीनल कोलिक होता है यानी जो पथरी का दर्द होता है ये जो है कि क्विकली कम एंड गो यानी क्विकली यानी जल्दी से आता है और जल्दी से फिर चला भी जाता है। इट इज कॉज्ड बाय ब्लॉकेज इन द यूरिनरी यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक एकम्पनाइड क्रिस्टल्स लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम फॉस्फेट यूरेट्स मेनली विच आर फॉर्म्ड इन टू सुपर सैचुरेटेड ऑफ यूरिन ब्लड क्लाट्स यूरेटर स्पाज्म एंड डेड टिश्यू में आल्सो ब्लॉक द यूरिनरी ट्रैक। द पेन जनरेटेड बाई रीनल कोलिक प्राइमरली कॉज्ड बाई डायलिटेशन स्ट्रेचिंग एंड स्पाज्म ऑफ द यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन। कुल मिला के साथियों ऐसा है कि इसमें जो है कि कभी कभी जब आप पानी कम पीते हो तो यूरिन का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जो उसमें जो है कि क्रिस्टल जमा होने लगते हैं। जब क्रिस्टल जमा होने लगते हैं तो उसमें होता क्या है कि इसमें जो आपका होता है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसको मैंने आपको अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है कि किडनी स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया हुआ है कि कितने परसेंट कितने कितना होता पथरी का कौन सा हिस्सा होता है। तो इसमें इसकी मैंने पूरी वीडियो आपको डिटेल से बना के रखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको अभी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ सिम्टम, इसमें जो सिम्टम दिया हुआ है सीवियर पेन वन साइड फ्लैंक एंड बैक, माने देख पिछले साइड आपका लोअर बैक साइड में पेन होगा। पेन रेडिएट्स टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, यानी निचले हिस्से के एब्डोमेन में एंड ग्रोइंग रीजन में दर्द होगा। पेन कम्स एंड वेव्स एंड फ्लैचुलेंस इंटेंसिटी पेन वाइल पासिंग यूरिन पिंक रेड ब्राउन यूरिन क्लाउडी फाउल स्मेलिंग यूरिन नाजिया एंड वोमिटिंग विथ पेन परसिस्टेंट अर्ग ऑफ यूरिनेशन। सब कुछ मिला जुला के साथियों ऐसा है कि इसका पूरा सिम्टम दे दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। मैंने सिम्टम के बारे में भी अलग से वीडियो बना के रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स जो इसमें होते हैं, रिस्क फैक्टर जो इसमें होता है साथियों फैमिली पर्सनल हिस्ट्री, यानी कि कुछ लोगों की फैमिली पर्सनल हिस्ट्री भी होती है, उसमें भी कभी कभी देखा जाता है कि जैसे कि जेनेटिकल चला आता है यानी कि पापा को हुआ चाहे बाबा को हुआ है तो भी चाहे मम्मी को हुआ है उससे भी चाहे आपके फादर को हुआ है तो किसी को भी आ सकता है, जैसे कि किसी बेटे को हो सकता है किसी को नहीं भी हो सकता है। इसमें ऐसा होता है कि आप साथियों मेल प्रीडोमिनेंस, इसमें दिया हुआ है कि मेल प्रीडोमिनेंस यानी मेल जो होते हैं उसमें ज़्यादातर देखा जाता है, इसलिए कि कार्यशैली में वो ज़्यादा भागदौड़ करते हैं और उसके साथ साथ वो पानी पीना ही भूल जाते हैं, यानी कि काम के चक्कर में पानी पीना भी भूल जाते हैं। उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन की वजह से पथरी ज़्यादातर मेल में देखी जाती है। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता रहता है उन लोगों में भी पथरी ज़्यादातर देखी जाती है। तो ये इसका हो गया पूरा, मैं आपका पेपर इस पे पंच भी कर दूंगा, आप इसको देख भी सकते हैं साथियों। ये आपका हो गया पूरा कहे तो क्लियर स्टोन की पूरी जानकारी, इसको आप देख कर आप अपने अनुसार इसको आप लेंगे यानी 10 बूंद सुबह 10 बूंद दोपहर 10 बूंद शाम को तीनों टाइम लेंगे बहुत बेहतर रिस्पांस आता है। तो फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद साथियों।